गोवा से लिया हो पजामा, ठीक है, गोवा वाली वाइब लेके मुक्ता पिएगी अभी चाय, और मुक्ता से पूछा जाएगा एक बहुत ही अहम सवाल जो कि करोड़ों में आएगा। नवरात्रों की वजह से एक बहुत अच्छी चीज हुई है इस घर में। देख लो, ये देख लो गाइस, ये क्या साजिश हो रही है। देखो मैंने सुबह से व्रत रखा है, इसको इतना नहीं होता कि मैं दो जोड़े अपने पति के साथ रख लूं। देखिए गुजिया ले आई है। क्या कर रहे हो भगवान, मेरी सी चला, क्या कर रहे हो तुम? ये देखो क्या? वो खड़ी है, गाने लगा रखे हैं, इसको कोई नहीं है, गाने इतनी तेज चल रहे हैं कि इसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे गाने चला चला के। इसका रंग देखो यार, जब इसमें चावल और अभी पनीर डल जाएगा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पानी आ रहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो आज हम कुछ स्पेशल तो नहीं करने वाले, एक्चुअली आज है मेरा 5th नवरात्रा। तो पिछले 4 दिन से जो मेरे नवरात्रे चल रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि जैसे शाम को खाते हैं मतलब माता रानी को माथा टेक के, तो मुक्ता वो चावल के आटे की वो रोटी और वो आलू की सब्जी या पनीर की सब्जी बनाती थी। तो क्या हुआ ना, वो जब मैं खाता हूँ ना खाने के बाद ना, उसके बाद अब पता नहीं वो ऑयल की वजह से या क्या है ना, मुंह अजीब सा हो जाता है और ना पूरी रात ना एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है। पानी की, ठंडे पानी की कितनी बोतल मैं पी जाता हूँ, पर बहुत मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आज मैंने सोचा है कि अगर तो मुझे मुक्ता कुछ अलग देगी तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं दोबारा वो रोटी नहीं खाने वाला, मैं फ्रूट खा के रह लूंगा। अब मेरा आज 5वां है, कल 6ठा, फिर परसों 7वां और हम अष्टमी पूज लेंगे। तो मतलब अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 व्रत मेरा अभी पड़ा है। तो पहले जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? तो पहले तो मुक्ता से पूछते हैं कि वो मुझे आज देने क्या वाली है, क्योंकि कल वो कह रही थी कि मैं अब तुम्हें वो रोटी नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें कल कुछ और दूंगी। तो समझ नहीं आता कि व्रत में क्या खाएं और क्या बनाएं। तो ये मेरी वाइफ आ चुकी है चाय लेके सुबह की, और के चाय के मग्गे में। और मुक्ता ने गोवा वाली वाइब ले रखी है घर में, गोवा से लिया हो पजामा, ठीक है, गोवा वाली वाइब लेके मुक्ता पिएगी अभी चाय, और मुक्ता से पूछा जाएगा एक बहुत ही अहम सवाल जो कि करोड़ों में आएगा, शायद करोड़ों में भी ना आए। आप बैठिए मुक्ता जी। तो मुक्ता, पहले तो गाइस एक बात बताना चाहूंगा मैं, नवरात्रों की वजह से एक बहुत अच्छी चीज हुई है इस घर में। मुक्ता रोज ना आ रही है। बहुत अच्छी चीज हुई है कि ये मेरे साथ सवेरे उठ के ही नहा लेती है। वाह जी वाह, मतलब नजारा बन जाता जिंदगी का। मतलब पहले ही होता था, पहले मैं नहाता था, जोत जलाता था, और ये शाम तक नहाती थी। चाय भी मुझे कई बार खुद बनानी पड़ती थी, मुक्ता कहती थी मुझे बना के दे दो। नहीं तू इतनी बुरी नहीं है, पर तू बेड टाइम बेड टी जरूर मांगती थी। कभी कभी मन करता है। हाँ तो हमेशा ही करती थी, ठीक है। तो अब ये नहाने लग गई है, तो ये चाय बना के लेके आने लग गई है। तो अब बात ये है मुक्ता, अब एक स्पेशल और एक बहुत ही अहम सवाल पूछने को मैं जा रहा हूँ। आज मुझे रात को खाने में क्या दे रही है? अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं फ्रूट खा लूंगा। मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं आलू की वजह से गैस हो रही थी, क्योंकि जो रोटी बनाती थी उसमें भी आलू की पिट्ठी डालनी पड़ती थी, चावल का आटा वरना अकड़ जाता है, ठीक है। आज मैं आलू किसी चीज में नहीं डालूंगी, चावल बनाऊंगी नॉर्मल जीरे का तड़का मार के, साथ में पनीर क्यूब्स डाल के टमाटर के तड़के के साथ सिर्फ पनीर की सब्जी होगी। आलू किसी चीज में नहीं डालूंगी, और फिर मैं देखती हूँ अगर आज ये दिक्कत होती है, नहीं अगर नहीं होगी तो फिर कल फलाहार पे रह लेना, तो दिक्कत तुम्हारे में चीजों में नहीं है भाई। तुम तो ये तो टेस्टिंग ट्राई एंड टेस्टिंग कर रहे हो यार। नहीं देखो, ट्राई एंड टेस्टिंग नहीं है, तुम दही भी खा रहे थे ना रात के समय, और आलू डलता उसमें भी, आलू वैसे भी डल रहा था, सब्जी भी बनाती थी पनीर की भुर्जी वाली तो उसमें भी आलू था, तो वो चीजें कह रही हूँ कि आलू नहीं डालूंगी आज, क्योंकि मैं भी आलू की वजह से गैस बन रही हूँ और साथ में दही भी है, तो उसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही थी। अपनी हालत बताऊँ ना, सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल ठीक, खाली पेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आलू वाले चिप्स आते हैं वो एक पैकेट खाता था, और फ्रूट जो माता रानी के आगे सुबह चढ़ाए होते थे वो खाता था,
शाम को जैसी मैं वो रोटी खाता था, रोटी नो डाउट बहुत स्वाद होती है वो, और वो आलू की सब्जी के साथ। और वैसे कल तो इसने मसाला रोटी बना के, मतलब मसाला रोटी बना के दी थी मुझे, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी थी, खा गया था मैं। पर खाने के बाद ना मुंह सूखता है, मुंह सूखने के बाद ना एक गले में एक अजीब सा वो आने लग जाता है, खट्टा खट्टा सा टकार सा आने, मतलब क्या बोलूं, मतलब एक खट्टी, मतलब एक वो जैसे एसिड टाइप सा होता है वैसा सा होने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि अभी वॉमिट आई, अभी वॉमिट आई, और इतनी हालत खराब होती है। जब तक नींद नहीं पड़ती ना, पानी की कल में कम से कम नहीं तो दो बोतलें पी गया हूँ ठंडे पानी की, और ऐसा लगता है बार बार कि अभी वॉमिट आ जाएगी, और जब तक नींद नहीं पड़ती ना तब तक इतनी गंदी बेचैनी रहती है जिसका कोई वो नहीं है। ये दिक्कत होती है, जो ये दिक्कत होती है क्योंकि एकदम वो चावल का आटे का सब कुछ, फिर आलू, फिर सब कुछ तला भुना, उससे होती है। ये थोड़े दिन तो रहेगी, आज ये ट्राई करके देखते हैं। दही नहीं दूंगी, दही भी एसिड बनाता है ना रात में। भैया मुझे नहीं पता, मेरे को उसकी वजह से मेरे को खट्टे डकार आते हैं वो। आज देखते हैं, आज नहीं आएंगे, आज मैं तुम्हें दही भी नहीं दूंगी ना मैं तुम्हें आलू दूंगी, सिर्फ चावल। चावल एक तो ठंडे होते हैं, अच्छे हैं तुम्हारे लिए, साथ में सिर्फ पनीर को तड़का मारूंगी क्यूब्स में, और उसको फ्राई भी नहीं करूंगी, फ्राई वाला कुछ दूंगी नहीं आज। देख लो, ये देख लो गाइस, ये क्या साजिश हो रही है। देखो मैंने सुबह से व्रत रखा है, इसको इतना नहीं होता कि मैं दो जोड़े अपने पति के साथ रख लूं। देखिए गुजिया ले आई है, बड़ी यम्मी गुजिया है, देसी घी की। भैया हमारा भी मन करता है खा लो, किसने रोका। तुम्हारा व्रत रखने का मन नहीं करता यार कि तुम पूजा पाठ कर लो यार। रखती नहीं हूँ मैं। कहाँ रखती है? मैं करवा चौथ का रखती हूँ। माय गॉड, कभी कभी साईं बाबा जी वाले व्रत। हाँ हाँ, ये क्या मतलब है यार, ये मेरे सामने क्यों खोल दिया इसको। मैंने सोचा क्या पता देख के मन कर जाए तो वैसे स्वाद ले लेना, तुम चटकारे ले लेना। अभी अभी सवेरे ही वो मठियां खा रही थी ये चाय के साथ। अरे जहाँ से ये लिए ना वहाँ से जो मठी लाई है ना, क्या गजब मठी। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए रखूं कि नवरात्र खत्म होने के बाद तुम्हें टेस्ट कराऊं कि मैं तुम्हारे सामने वो बैठ के खाती। लाओ। नहीं मुझे नहीं खानी मुझे नहीं खानी, मुझे वैसे भी भूखी नहीं लग रही है, मेरे को भूखी नहीं लग रही। तो गाइस ये देख लो दरवाजे के साथ कैसी चिपकी हुई है, ऐसे छिपकलियां नहीं चिपक जाती दरवाजे से। मुक्ता हाँ? क्या कर रहे हो? भगवान मेरी सी चला, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या था, भगवान ने क्या कर दिया? मैं बोली थी भगवान ने इसी चला दी, बाहर ठंडी हवा चल रही है। नहीं नहीं वैसे क्या कर रहे हो तू? ये वैसे ही जैसे बोल के दिखा रही थी। अरे तो बोल के दिखा ना एक बार। भगवान ने इसी चला दिया। कहाँ चलाया? ठंडी हवा, इतनी भी कोई ठंडी हवा नहीं आ रही। अरे आके देखो साथ कितनी सारी मिट्टी की खुशबू आ रही है। ये देखो वो खड़ी है, गाने लगा रखे हैं, इसको कोई नहीं है, गाने इतनी तेज चल रहे हैं कि इसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे गाने चला चला के। मुक्ता, ओ मुक्ता क्या हो रहा है? खाना बना दे जल्दी, गाने स्लो कर ले थोड़े, ऐसे पागल हो जाती है ये शाम के टाइम जब खाना बनाती है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या अदरक भूल गई गाइस, ये रंग देखो जरा, मतलब ये अभी इतना अच्छा लग रहा है बट जब पता नहीं खाने के बाद क्या हो जाता है खाने के बाद रहेगा ना टेस्ट, मतलब इसका भी रंग बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। भैया क्या कर रहे हो तुम? तुम आज एक स्वाद सी, मतलब मेरे आज वो हर हालत ना होए, मैं प्लीज बहुत दुखी। वो जो नहीं, आज मैं दही और आलू डाल ही रही ना, किसी में भी आलू नहीं है और दही नहीं है। शुक्र है ना, मतलब शुक्र है क्या, मतलब वैसे दही मुझे बहुत पसंद है बट इसका रंग देखो यार, जब इसमें चावल और अभी पनीर डल जाएगा मेरे मुंह में पानी आ रहा है पानी आ रहा है, भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। मुक्ता ने फाइनली मेरा खाना रेडी कर दिया है, पापड़ खीरा खाने से मुक्ता आज कह रही है, मुक्ता ने चार दिन से खीरा नहीं दिया, आज कहती आज खीरा खा के देखो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, हाँ, ठंडा होता ना। ठीक है, और ये पनीर की सब्जी वो भी बिना प्याज और लहसुन वाली, देखने में ऐसा लग रहा है प्याज और लहसुन डालूंगा पक्का, और ये समक वाले राइस जो कि निकालते निकालते हाथ भी जला लिया मैडम ने, अभी पहले मैं लगा लेता हूँ फटाफट से इसका भोग और फिर मैं अपने आप को भोग लगा के बताता हूँ कि मुक्ता ने कैसा खाना बनाया है आज मेरे लिए। तो गाइस डिनर मेरा हो गया है अभी फिलहाल, फिंगर क्रॉस, क्योंकि चावल दिए थे मुक्ता ने और वो पनीर की सब्जी थी, अभी वो
अभी थोड़ी देर में पता चलेगा उसका असर कि क्या है। मुक्ता अपना डिनर कर रही है, और एक चीज़ और है, खाना इसको मेरी प्लेट में ही है, मतलब मेरी झूठ जो झूठी प्लेट होगी पहले मुझे खाना खिला देगी, फिर उस झूठी प्लेट में खुद खाना खाती है। और आज तक मुझे समझ नहीं आया, मैं कितनी बारी ना कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मतलब इसको पता ना चले और मैं फटाफट सिंक में ले जाके वो प्लेट रख दूँ, बट इसको फिर भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। और ये इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरी झूठी प्लेट में खाना खाती है तो उससे प्यार बढ़ता है, ये कहती है मुक्ता। तुम इतना लड़ते हो मेरे साथ। मैं नहीं लड़ता। नहीं, मैं नहीं लड़ता। वो सिचुएशन होती है। सिचुएशन होती है जी, वो सिचुएशन होती है जो हम दोनों के बीच में लड़ाई कराती है, वो बहुत गंदी सिचुएशन होती है। भगवान तो मुझे हिम्मत देती है ना, यही तेरा प्यार था कि मैं तेरी उस लड़ाई में अपना मुझे अच्छा मुझे आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि आप लोगों को पसंद आएगा कि आपकी झूठी प्लेट में कोई खाना खाए? मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, मोस्टली वाइफ अपने हस्बैंड की प्लेट में खाती है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं गलत हूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं गलत हूंगा। तो आज के इस ब्लॉग में गाइस इतना ही। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी नवरात्रि कैसी जा रही है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब अपना ध्यान रखना।